यार ये चेक करो, व्यू चेक करो यार, गाइस क्या सेक्सी नजारा है यार बाहर का। मोनास्ट्री ना, मोनास्ट्री तो 700 साल पुराना है और ये गुफा जो है ना, गुफा लगभग 2000 साल से पुराना है ज्यादा। तो आप देखो यार गाइस, फैन हम लोग शिमला से हैं। शिमला से हम जी सारे साथ में। मेरे को इन लोगों को देख के डर लग रहा है यार, देख के डर लग रहा है इन लोगों को। ये है भाई जी शेर पास्ता है। ऐसा कुछ रास्ता इधर से कोई फ्लो फ्लो में होगा, चला तो वो इधर भी जा सकता है, नीचे नीचे सही है नीचे। फिर तो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आप सोच रहे हो ना यार, इतने सुबह सुबह नाइट टेंट में ना कहाँ है, कहाँ है ये ना। जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि हम सुबह मॉर्निंग में ही निकलेंगे ऊपर मॉनेस्ट्री के लिए ना, तो अभी बस 5:15 हुए, अभी ना 5:16 हो चुके हैं अभी। तो ना भैया वगैरह उठा लेते मेरे को इससे पहले, हमने ना अभी तक मैंने तो मुंह में पानी तक भी नहीं लगाया, ऐसे बस बाहर आया मैं। क्योंकि मैं जो अगर अंदर टेंट में ब्लॉग बनाऊंगा ना, जो भाई लोग मेरे साथ सोए हुए ना, ऐसे ही डिस्टर्ब हो जाए, इसलिए मैं बाहर आके फिर बाहर आके ब्लॉग बना रहा हूँ। तो हम लोग ना ऐसी बंजर से एक जगह में रात को स्टे करे थे, जहाँ यहाँ पर ना घास ना पूसा कुछ पता नहीं है यार। तो हम ना ऐसे ऐसी जगह में स्टे कर रहे हैं। तो सीन ये है ना, अब भी निकलेगा मॉनेस्ट्री के लिए। मॉनेस्ट्री जाने से पहले ना पता क्या, एक तो अभी तक मैं उठाऊँ और कौन, लुक्का भाई उठे और डाइसन भाई और आदित्य भाई, अभी बस 4-5 बंदे उठे और इन्होंने मेरे को उठा लिया कि उठ जा। क्योंकि इनको रात को बोला था अगर मैं ना उठूँ तो मेरे को उठाना, क्योंकि मैंने आना है उस साइड ना। क्योंकि ऐसा नहीं यार, इतनी दूर आए, अगर इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें मिस कर लेंगे ना तो क्या फ़ायदा है यार इतनी दूर आने का, पैसे मरवाने का, टाइम वेस्ट करने का ना, जो मेन चीज़ है उसको दिखेगी नहीं। तो बस अभी तैयार तो पता नहीं होना ही कि नहीं होना, बस वही। और आप लोग सोच रहे रोज एक ही कपड़े में इसी में ब्लॉग कर, आपको पता ना यार, देखो मैंने कितने सारे कपड़े डाले थे घर से ना, तो यहाँ ना मन ही नहीं करता कपड़े चेंज करने का। अब कौन नहाएगा, नहाना भी कहाँ यार, सीन वो है ना, अगर कभी बनेगा कपड़े कपड़े चेंज करने का तब कर लेंगे, पर ऐसे मन तो करता नहीं यार ऐसी जगह में। अब जो पहने वो पहने ही है, जब तक कुछ करा नहीं या कुछ हुआ नहीं तब तक ये कपड़े। तो बाहर कभी चेक करो आप एक बार। तो गाइस यहाँ पर हमने अपने कैंपिंग लगाई, तो दिख रही है ना आपको ना, और हम अपने कैंपिंग साइड से निकल चुके हैं। अब हम जा रहे हैं मॉनेस्ट्री के लिए, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मॉनेस्ट्री जाएगा हम ना। तो अब भी हम है कुछ इस तरह की लोकेशन पे, मतलब एक रोड आता है ना, इसमें कम से कम ये अभी भी पानी पी रहा है, ऐसा कुछ रोड है बाहर का। तो गाइस अभी पहुंचे कुछ इस तरह की लोकेशन पे, यहाँ देखो ऊपर यार घास फूस का ध्यान ना, कोई नामो निशान नहीं है, पत्थर ही पत्थर, अगर एक आधा पता छूट गया ऊपर से ना, यहाँ हवा से हवा के साथ भी पत्थर आता है, आ जाता है अगर तेज हवा चलेगी, तो वहाँ आर से पार जाना पड़ता है। अब जैसे मलाना जब से क्या बोलते थोड़ा डेंजर रोड है इधर से, अभी उन्हें ऊंचे वाला पार्ट फुल ऑन बना दिया भाई, चिंगा लूटा डेंजर रोड है ना, मैजिक बोलते ना, मैजिक 1 मैजिक 2 मैजिक 3। तो गाइस अभी पहुंचे हम कुछ इस तरह की लोकेशन पर, यहां पर लास्ट, यहां तक आता है लास्ट रोड ना ये अपने दिते भाई। तो यहां पे आते वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कहां जा रहे हैं आज हम, वी विल बी गोइंग टू फुक्टल मॉनेस्ट्री टुडे एंड इट्स अ ट्रैक of about 1-3 or 4 kilometers and we are going to enjoy. Oh nice na, वैसे भी सेक्सी लगते हैं। तो गाइस ऐसा कुछ व्यू है यार बाहर का व्यू चेक करो आप यार एक बार ना, व्यू तो अल्टीमेट है, व्यू का तो कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ होगा स्कॉर्पियो में गाइज, हमने जाना है इस वाला जो ही वाला रोड दिखा, रोड क्या रास्ता ही है ये ना, यहाँ तक है पर बस पर तक रोड, पर यहाँ से रास्ता ही है, यहाँ पर जो रास्ता दिख रहा है नहीं वाला, इधर जाना है हमारे को ना, इधर से पीछे पता नहीं कितना पीछे जाना है हमारे को। तो ये वाली मॉनेस्ट्री, हो इस वाली मॉनेस्ट्री जाना है हमने।
तू ना यार फुल ऑन एडवेंचर रहने वाला है आज। हम सोच रहा मैं यहाँ जाऊँ रास्ते में आऊंगा मैं। नहीं नहीं रिस्क, ये नहीं है रास्ता, ये डंकार है। जिंदगी एक बार मिलती है, आराम से जियो मजे से। गाइस देखो ना पूरा ना इधर बंजर, तो बंजर ही समझो इसको ना, ना घास ना पूछो कुछ भी नहीं है इधर ना दिखने को। और मैं एक चीज़ के लिए परेशान हूँ, यहाँ नीचे मार को ना एक लकड़ का टुकड़ा मिल गया, लकड़ ध्यान रखो यार। और ये कहाँ से मिला, बड़ा अनोखा लग रहा है, सांस भी फूल रहा है। दो दिन बाद दिख रहा हूँ मैं लकड़, इधर लकड़ ना देखने को नहीं मिल रही, बस ऐसे से कहीं कहीं हल्का हल्का, ये भी बाकी तो कहीं भी नहीं दिख रहेगा, दिखेगा आपका सब कुछ, बस ये लकड़ दिख गया क्या ना। इसके लिए परेशानी कहाँ से आ गए होने यहाँ। गाय जी देखो यार ऐसा कुछ रास्ता है, इधर से कोई फ्लो फ्लो में होगा चला तो वो इधर भी जा सकता है, नीचे नीचे सही है नीचे। फिर ऐसा कुछ रास्ता है यार इधर से, फुल एडवेंचर वाला सीन है। हेलो हेलो, अभी पहुंच चुके हम बिल्कुल ही ना नदी के पास, सामने सामने नदी के किनारे किनारे में चल रहे हम। और ऊपर जो सीन है ना, ये पता नहीं क्या इधर बनाया ना यार, ये मेरे को आइडिया नहीं अभी क्या चीज़ है ये ना, पर रास्ते में बहुत जगह बने हुए तो भाई यहाँ ऊपर ही बना हुआ है यहाँ पे। ये देखो यार गाइस, यहाँ देखो ना, अब मेरे को नहीं पता मेरी आवाज़ आप तक पूरी है क्योंकि नदी का शोर बहुत खतरनाक आ रहा है, क्योंकि नदी पास में गुजर रही है ना। मैंने आपको दिखाना था ना, देखो ऊपर पहाड़ है ना, साथ नदी बह रही है, साथ ही मेरा सांस फूल रहा है। और यहाँ पर देखो इस तरह का कुछ रास्ता बनाया हुआ यार, खुद बनाया ही बंदों ने रास्ते मेरे हिसाब से, तो चलने के लिए ग्रेट वॉल लगी इधर से। देखो भाई देखो यार गाइस, बैंड हो गया। ये देखो इधर स्विमिंग पूल गाइस, स्विमिंग पूल। ये देखो यार अल्टीमेट ट्रैक है ना, माँ कसम मजा आ गया यार। ऐसे व्यू चेक करो आप यार, मौसम आसमान वेदर नथिंग ओनली नेप्टा भाई। ये देखो यार नथिंग एल्स ब्रो ओनली नेप्टा भाई। वो देखो यार गाइस क्या नजारा है बंदों की मेहनत। देखो यार ऐसी ऐसी जगह में भी रास्ते बनाए हुए टूरिस्ट के लिए, हमारे लिए। देखो ना यार ये बंदा रुक जाओ, देखो भाई नीचे मारे के मार। मूर्खों वाला काम करे ये भाई लोग ना यार, पैसे में पकड़े डिको चले गया, यहाँ पर ठाकुर भाई भी चले गए, इतने पतले बीच में जा रही है। अरे भाई इसमें आओ, इसमें जाना? नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा इसमें यार, गज ऐसी ब्रिज में जा रहे यार ये पार, बड़े खतरनाक बंदे यार। पर मैं इतना ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता यार, नहीं हम नहीं जाएगी इसमें, हम जाएगी इस वाले ब्रिज में जो ये वाला दिख रहा है। अब ऐसा है ना यार कि दिखने में अच्छा लग रहा है इसलिए जा रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि इसमें हुआ कुछ फॉल्ट। बाबा जो किस्मत करेगी ना वो तो झेलना पड़ेगा ना, उससे ज्यादा को हम कुछ नहीं कर सकते गाइस। तो ऐसा कुछ ब्रिज है यार, ये चेक करो व्यू, चेक करो यार गाइस क्या सेक्सी नजारा है यार बाहर का। और ये लोग पास है ना ऐसे इतने पतले ब्रिज में जा रहे हैं यार, माँ कसम अगर कुछ हो गया ना 19-20 यार मैं, नहीं नहीं ये बड़े खतरनाक बंदे यार, हमसे नहीं होता इतना यार, हम इसमें जाएंगे। वाह क्या नजारा है यार गाइस, तुम्हारा भाई चल पड़ा है इस ब्रिज पे अकेले भाई यार। वह नीचे नदी देखो क्या सेक्सी लग रही है, बैंड की आंख। ओ यार क्या खतरनाक सीन है यार, इधर ऊपर पहाड़, नंगा पहाड़, ओनली बस पत्थर ही पत्थर इस पहाड़ में गाइस। मां जो ये वाला ट्रैक है ना ये अल्टीमेट है। और यहाँ पर देखो यहाँ मोनेस्ट्री दिख रही है आपको, ये
यहाँ आना था को अभी और भी पौधे छेते दिखाने को ना यार, चेक करो गाइस यार, पुल ऑन। यहाँ देखो इन मूर्खों को देखो यार आप, ये सारे जो भी ना गैंगस्टर लोग हैं ना हमारे साथ, नहीं स्ट्रॉन्ग तो ये देखो खतरों के खिलाड़ी एडवांस रेस्क्यू टीम के बंदे, रेस्क्यू टीम के बंदे ऐसे होने चाहिए। देखो ना इतने पतले पतले से डंडे रखे हैं, बस उस पर ही चल रहे हैं ये लोग। मेरे को इन लोगों को देख के डर लग रहा है यार, देख के डर लग रहा है इन लोगों को। ये है भाई जी शेर फर्स्ट है निम्न जी, पार से आप यार एडी भाई बेले काम है, एडी भाई नीचे जा देखो, पार से आओ यार, रिस्क हो जाएगा बेला यार। हमने एडी भाई को बोल दिया वापस जाओ यार, पता क्या बेला सीन हो जाएगा वहाँ यार, यहाँ से ना यार एक्सपेंसिव है एडी भाई को यार, ये लोग तो है जंगली में, ये भी है ऐसा तो नहीं यार वहाँ कभी एक एक पैर भी अगर स्लिप हो गया नहीं, देखो देखो घटे घटे दिख रहे बीच में यार, बेले का होना है। जो हमने ब्रिज अभी क्रॉस करा ना इसके बाद हमारे को पता कैसे ट्रैक में जाना पड़ रहा है, यहाँ देखो ऊपर यार डंकार ही डंकार है, डंकार के बीच बीच में हमारे को जाना पड़ रहा है, यहाँ पर से काटना पड़ेगा कर्व तब जाके मिलेगी मोनेस्ट्री। गाइज मार्क्स में मैं तो ऐसा बोलूंगा ना लाइव में ना एक बार ना फुल एक्सपीरियंस लेना इस वाले ट्रैक का, इतना मजा आएगा ना आप लोग याद करेंगे अपने भाई को यार, ये अखिल ने क्या बोला था नज़ारे अल्टीमेट। हेलो गाइज, इन्होंने हमें कहा नमस्ते यार, इधर भी नमस्ते का ट्रेंड है, मगर शायद अपनी लैंग्वेज में कुछ हमारे को बोलेंगे पर ऐसा नहीं। नमस्ते, ओ यार गाइस चेक दिस मेन गेट अल्टीमेट व्यू, बस ये दिख रहा था हमारे को आगे से ना यार, वाह गाइस मोटा सीन है यार, ये चेक करो यहाँ जाना है अभी हमारे को। मेरे कहने से आ जाना यार एक बार इधर एक्सपीरियंस लेना इस जगह का, क्या प्यारा है यार, ये देखो ना देखो क्या प्यारा डिजाइन है यार विंडोज में, होमस्टे ब्रदर ये होमस्टे, अच्छा ओके थैंक यू। ये देखो यार झूले झूले ओके, बाकी चीज़ें छोड़ो आप ना, आप बस ये सोचो ना यार ऐसी पहाड़ी में ना, ऐसी पहाड़ी में कितना प्यारा नज़ारा बनाया हुआ है यार, बनाया हुआ है कि बनाया हुआ है इसका तो पता नहीं ना, पर जो भी है अल्टीमेट और ये ना शायद स्कूल है मेरे हिसाब से, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पर ना घंटी लगी है, याद होगा आपको यार बचपन में स्कूल्स में होती थी हमारे साथ, होती थी अब पता नहीं, स्कूल्स में बेल्स ऐसी होती थी। ये देखो सुरंग से निकल रहे बा झूले, हम लोग शिमला से हैं, शिमला से हम जी सारे साथ में वीडियो बना सकते हैं ना इधर, हां बना सकते हैं यार, टेंपल के अंदर नहीं बना सकते ना, कैसा दो टेंपल के अंदर, टेंपल के अंदर नहीं बना सकते, ओके ठीक है पापा में तो बना सकते हैं, ओके ध्यान रखेंगे झूले गाइस, झूले झूले हो गए इधर तो गाइस ना यहाँ पर कुछ और सारा है कुछ, हम मेरे को नहीं पता क्या रहा क्या, प्रेयर्स चल रही होनी,
prayers. Guys, prayers are leader, yaar. ये किचन है यहाँ पर ना, ये क्या चीज है? घी, घी, घी किसका ये? पलंग। अच्छा मक्खन है, अच्छा ओके समझ तो आया ना। चलो इनका चूल्हा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं खाने चाहिए। नहीं खाने चाहिए। नहीं अच्छा होता है। ये लामा जी हम पूछ रहे हैं, ये कितने समय पहले बनी होगी मोनेस्ट्री जो बनी है? मोनेस्ट्री ना, मोनेस्ट्री तो 700 साल पुराना है और ये गुफा जो है ना, गुफा लगभग 2000 साल से पुराना है ज्यादा। तब गौतम बुद्ध जो थे वो खुद जिंदे थे, उनके टाइम से वो ये गुफा, और उनका एक स्टूडेंट है जिनका नाम आचार्य महाकाल है, वो यहाँ पे आके मेडिटेट किए थे बहुत साल। फिर उनके बाद और तीन भाई आए थे, उनका नाम टाउंग सुन सुम, वो नालंदा यूनिवर्सिटी पता है आपको? नालंदा दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है ना, तो वो तीनों वहाँ से पढ़ाई करके आए थे यहाँ पे। फिर यहाँ पे आके लगभग 100 साल से भी ज़्यादा उन्होंने मेडिटेट किया। फिर उनके बाद और एक आया, वो यही लद्दाख ठीकसे से है, पहले वो ठीक से टिबेट गए थे टिबेट पढ़ाई करने। फिर टिबेट पढ़ाई पूरा होने के बाद वो यहाँ वापस आया लद्दाख में। फिर उन्होंने बहुत सारे मोनेस्ट्री बनाया, ठीक से मोनेस्ट्री, लिंगशे मोनेस्ट्री, कर्शा और ये मोनेस्ट्री भी उन्होंने बनाया। तो वो ये मोनेस्ट्री बना के ना, अभी उनका वो यहीं पर मर गया। अभी उनका डेड बॉडी जो है वो बाहर जो स्टूपा है ना आपने देखा, उस स्टूपा के अंदर रखा हुआ है। तो और आप क्या करते हो यहाँ, मतलब मोनेस्ट्री में आपका क्या काम रहता है? अच्छा, एक साल के लिए ना सभी का टर्न आता है, बारी बारी आता है। तो जब टूरिस्ट आए तो उनको टेंपल्स दिखाना है, और सुबह सुबह उठ के ऑफरिंग करना है पानी, फिर शाम को दिया जलाना, ये सब काम। ये पानी कहाँ से लाया लामा जी यहाँ पे आप? ये वाला तो वहाँ क्या बोलते हैं, एक वैली है उस तरफ, वहाँ से लाते हैं ज्यादा, और ज्यादा हो जाता है। चाय कैसे बनाते हैं? नमकीन। हाँ, नमकीन चाय कैसे बनाएं? यहाँ की नमकीन चाय के बारे में बहुत फेमस है। पहले पानी लाओ, ठीक है? हाँ जी, फिर उसमें कुछ ऐसे पत्ता टाइप होता है डालने के लिए। अच्छा। चाय पत्ती पता है उसकी टाइप होता है, उसे डालो फिर उबलने दो। फिर जब वो उबल जाएगा हमारे पास वो ये रहता है ना, पता चला ये। हाँ, इसके अंदर वो डालना है, वो जब वो उबल जाएगा वो डालना है। अच्छा। फिर इसके साथ में बटर भी डालना है इसके अंदर। अच्छा, बटर वाली चाय बनती है ना? हाँ, फिर हाँ। ऐसे शेक करना है। अच्छा। हाँ, तो आपने ये इससे पहले बनाई, इसमें शेक करके बनाया? हाँ। किस चीज से बना है? लकड़ का है ये? लामा जी यहाँ पे आपने खुद बनाया है या मार्केट से परचेज करके बनाया? ये तो यहीं पे बनाया। अच्छा अच्छा, जो आप बता रहे थे भी भाई, यहाँ पे जो है सर्दियों में नीचे ये जो इतनी बड़ी नदी है ये भी पूरी जाम हो जाती है। तो ये वाली चाय वो जिसकी रेसिपी अभी बता रहे थे ना, मक्खन। बस 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 बस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कुछ भी क्या है? ये क्या है? ये है बार्ले। मेरे हाथ में तो ये गंद कैमरा है। हाँ।
सत्तू सत्तू ही मान ले। किस चीज का बनता है क्या बात, किस चीज का है? बार्ले का, पीट का, गेहूं। गेहूं 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 है ना, गेहूं 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 को क्या बोलते हैं, तवे पे ऐसे फ्राई करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। गाइस अभी हम निकल चुके हैं मोनेस्ट्री से वापसी अपने कैंप साइट के लिए। तो मोनेस्ट्री में ना हमारा किस्म जो वाइब्स है ना, वाइब्स वो अल्टीमेट वाइब्स थी। मतलब यहाँ आने का ना एक अलग ही फील है, मैं बता नहीं सकता ना कि कैसा लग रहा है, क्या क्या सीन था इनसे बातें करके। अंदर 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 जब इनकी मोनेस्ट्री जो मेन अंदर है ना, वहाँ पर वीडियोज नहीं देते, अलाउड नहीं है मतलब वहाँ वीडियोज बनाना ना। तो हम वहाँ पर गए, वहाँ देखा हमने ना क्या प्यारी प्यारी पेंटिंग्स, स्टैचूज, और वहाँ ना कुछ लिखा हुआ है। और वहाँ ना गाइस कुछ ना दीवार में ना कुछ एक पतली सी कुछ एक परत सी है ना, तो उसमें ना कुछ लिखा हुआ है बड़े पहले का, बहुत साल पहले को कुछ लिखा हुआ ना। तो मेरे को लगा आज डेट में ना शायद एक ही उसकी पोस्टर कीमत ना करोड़ों में होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि उन्हें बहुत साल पुराना है यार। जैसे कि भाई बोरिस ना 700 साल पुराना है, यहाँ पर इनके जो गॉड थे वो आए थे, उन्होंने मेडिटेशन करी थी 101 साल, उसके बाद उनके दो भाई और आए, ऐसे ऐसे इन कुछ बता रहे थे ना ये। तो ना यार मैं तो ये कहूँगा ना एक बार ज़रूर आना यार इस मोनेस्ट्री में ना, जो भी मोनेस्ट्री, इस मोनेस्ट्री का व्यू लोकेशन बहुत अल्टीमेट है। लोकेशन तो मैंने आपको दिखा ली होनी पहले से यार, क्या सीखना है यहाँ का। फोटोज़ इंस्टाग्राम में पड़ जाएगी आज, नहीं तो मतलब जब मैं घर पहुँचाऊँगा तब तो फोटोज़ पड़ जाएगी, तो मेरे को पूरा यकीन है, क्योंकि यहाँ नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है, नेटवर्क है नहीं है, ऐसे ऐसे ही नहीं इधर यार। तो अभी जा रहे हैं वापसी कैंपिंग साइड, तो मिलता आपको कहाँ डायरेक्ट रोड में मिलेगी, वहाँ पर जो ब्रिज था ना उस ब्रिज पर मिलेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे ऐसे कुछ, तो देखते क्या क्या सीन है आगे का।